सब बोलिए अकबर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए उपाय आपके लिए लेकर आता हूं और गुरुजी से अच्छी तरह से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से ही बताने की कोशिश करता हूं। इसी क्रम में आज का यह उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, अष्टमी तिथि आने वाली है और इस बार की जो अष्टमी तिथि है गुरुवार की पड़ रही है। गुरुवार की अष्टमी बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। गुरुवार गुरु बृहस्पति का दिन होता है और इस दिन जो भी उपाय किया जाता है उससे गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर किसी कारणवश आपका बृहस्पति कमजोर है तो आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापार में घाटा लगना शुरू हो जाता है, नौकरी में भी बाधा आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई पढ़ने वाला है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में बीमारियों का प्रवेश शुरू हो जाता है। अनेकों प्रकार की समस्याएं आपको घेर लेती हैं अगर आपका बृहस्पति कमजोर होता है तो। गुरुवार के दिन अगर आप बृहस्पति का ये उपाय करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। विशेषकर अगर गुरु कमजोर होता है तो घर में धन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप भी गुरु अपना मजबूत करना चाहते हैं तो आज का ये उपाय पूरा देखना और अच्छी तरह से सीखने के बाद सही ढंग से उपाय करना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, मात्र 7 चने की दाल से ये उपाय करना है और बहुत बड़ा फल इस उपाय से मिलता है। तो उपाय की बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको चने की दाल लेनी है। अब चने की दाल आपको संपूर्ण लेनी है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े नहीं लेने, पूरी चने की दाल लेनी है। चने की दाल आप 7 भी ले सकते हैं, 21 दाल भी आप ले सकते हैं और 41 दाल भी आप ले सकते हैं। अगर आप ये उपाय 41 दाल से करते हैं तो बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आपकी जितनी इच्छा हो उतनी चने की दाल आप ले सकते हैं। साथ में आपको एक तांबे का कलश लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। इसके साथ साथ एक कटोरी में थोड़ा सा जल डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। और जो आपने दाल ली है, चाहे वह 7 दाने हो, 21 हो या 41 दाने हो, वही दाल आपको उस कटोरी के अंदर डाल लेनी है जिसमें आपने गुड़ मिश्रित पानी लिया है। गुड़ मिश्रित जल जिस कटोरी में आपने लिया है उसी के अंदर आपको वह दाल डाल लेनी है। यह दाल की कटोरी और साथ में एक लोटा जल लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। अब एक लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल के ऊपर आपको जल चढ़ाना है और सबसे अंत में महादेव के शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। जब आप महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो अंत में थोड़ा सा जल आपको बचा कर रखना है। पूरा जल आपको एक साथ में नहीं चढ़ाना, थोड़ा सा जल आपको अपने लोटे के अंदर, अपने कलश के अंदर बचा कर रख लेना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर जो दाल आप अपने साथ लेकर गए हैं, जो चने की दाल आप अपने साथ लेकर गए हैं, उसी को अपने हाथ में लेकर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। जितने नाम आप ले सकते हैं उतनी बार पाठ करिए आप, 11 बार, 21 बार, 41 बार, 51 बार, जितनी बार आप बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं उतनी बार लीजिए। कम से कम 11 बार यह नाम आपको ज़रूर लेना है। 11 बार स्मरण करने के बाद पूरी की पूरी दाल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।
दाल समर्पित करके जो जल आपने थोड़ा सा कलश के अंदर बचा कर रखा था वही जल आपको फिर से महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। यह छोटा सा उपाय करने से गुरु बृहस्पति आपका मजबूत होगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है या किसी ने आपको बताया है कि आपका गुरु कमज़ोर है तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय करने से धन से संबंधित बहुत लाभ मिलता है, चाहे वह धन व्यापार से आना हो या किसी नौकरी से आना हो। धन और पैसों की समस्या से संबंधित इस उपाय से बहुत लाभ मिलता है। दूसरा उपाय एक और भी आप कर सकते हैं। दूसरे उपाय के लिए आपको तीन चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र बिल्कुल संपूर्ण लेना है, कहीं से कटा फटा हुआ बेलपत्र नहीं लेना आपको। दूसरा आपको तांबे के पात्र में जल भरना है और तीसरा एक बूंद शहद लेना है। शहद की मात्र एक बूंद ही काफ़ी है, ज़्यादा शहद लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीनों चीज़ें लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। बेलपत्री की डंडी के ऊपर शहद लगाना है, जहाँ नीचे की दो पत्ती बनी होती है उसी जगह पर आपको बेलपत्री में शहद लगाना है। शहद लगाकर बेलपत्री महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बेलपत्री समर्पित करते समय बेलपत्री की डंडी का जो मुख है वह आपको माता अशोक सुंदरी की साइड में रखना है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस साइड आपको बेलपत्री की डंडी का मुख रखना है। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं वो महादेव को समर्पित करना है। अब जल कैसे समर्पित करना है? जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। थोड़ा सा जल चढ़ाकर रुकना, फिर दोबारा चढ़ाना, फिर रुकना, फिर तीसरी बार चढ़ाना, फिर रुकना, ऐसे करके आपको 7 बार में जल चढ़ाना है। और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते रहना है। अगर आप गुरुवार की अष्टमी के दिन ये 2 उपाय करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है और आपकी धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान मिलता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो आप गुरुवार की अष्टमी के दिन ये 2 उपाय ज़रूर करिए। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ ज़रूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।